कल अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन होता है तो मैं समझता हूं ये केजरीवाल जी के लिए बहुत शर्म की बात होगी, क्योंकि 2013 के अंदर उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि वो भ्रष्टाचार के ऊपर उनकी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को जेल में भेजेंगे। तो या तो शीला दीक्षित को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या उनको स्वीकार कर लेना चाहिए कि केजरीवाल जी ने जो उन पर आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के वो सारे सही हैं। आज कांग्रेस के 95% लोग कार्यकर्ता जो हैं वो नहीं चाहते ये गठबंधन हो केजरीवाल के साथ, किंतु बीजेपी को हम अकेले हरा नहीं पाएंगे इस नाम के ऊपर दो भ्रष्ट पार्टियां आपस में मिल रही हैं और कह रही हैं इससे बीजेपी को क्या कष्ट है। अब देखना यह है कि केजरीवाल शीला दीक्षित जी से कब माफ़ी मांगते हैं कि हाँ मैंने जो आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के वो गलत थे। लोकसभा चुनावों के अंदर लोग मजबूत सरकार मजबूत प्रधानमंत्री को चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विकास के काम पिछले 5 साल के लिए किए हैं वो 70 साल में भी नहीं हुए जी, चाहे वो आतंकवाद हो चाहे वो नक्सलवाद हो चाहे वो पाकिस्तान हो, हर स्थिति का मुकाबला हमारे प्रधानमंत्री ने लोगों की आशाओं और विश्वास के अनुरूप किया है तो लोग पसंद करते हैं। और वैसे भी लोकसभा के अंदर लोग स्थायी सरकार चाहते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी को 7 में से 7 सीट जिताएंगे, चाहे दोनों भ्रष्ट पार्टियां जितना मर्जी गठबंधन करें।